मध्य प्रदेश के भिंड में सोमवार की सुबह एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह नयागांव थाना इलाके में जखमौली गांव के नजदीक सिंध नदी के बीहड़ में उतरा। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर को रूटीन ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ी। दोनों पायलट और हेलीकॉप्टर सेफ है। क्रू को मदद देने के लिए अन्य हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। वायुसेना का यह अपाचे हेलीकॉप्टर अचानक यहां के गया सिंह भदौरिया के खेत में लैंड हो गया। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में ग्वालियर से एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों को हटाया। एसपी मनीष खत्री ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद नयागांव और उमरी थाने से पुलिस बल मौके के लिए भेजा गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से एक है। इसकी डिजिटल कनेक्टिविटी और अत्याधुनिक सूचना प्रणाली इसे और खतरनाक बनाती है। सघन पर्वतीय क्षेत्रों में ये सबसे कारगर हेलीकॉप्टर है। पहाड़ियों और घाटियों में छिपे दुश्मन को भी आसानी से तलाश कर उन पर सटीक निशाना साध सकता है। इसे कई तरह के बड़े बम बंदूकों और मिसाइलों से लैस किया जाता है। गौरतलब है कि भिंड जिले में 2021 और 2019 में भी विमान गिर चुके हैं। 21 अक्टूबर 2021 को भिंड के भारौली इलाके में लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। इसी तरह 4 साल पहले 2019 में भिंड जिले में ही गौहत तहसील के आलूरी गांव में भी एयरफोर्स का एक प्रशिक्षु विमान MiG-21 गिर गया था।